अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। भाई मैं न्यू वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है भाई, चूँकि मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। भाई मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, मेरा काम ही नहीं है दुनिया में। मुझे लगता है कि भाई मुझसे ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है। चश्मा भी इसलिए पहना हुआ है, आँखें नम हुई हुई दिखेगा नहीं कैमरे में। क्यों? चूँकि जज्बात अंदर घुसे हुए। असल में बताऊँ मेरे साथ सीन हुआ क्या। आखिर मेरे दोस्त का कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आता है कि भाई अब्दुल्ला भाई एक पार्टी है। पार्टी कहाँ पे? डिफेंस में। मैंने बोला सही, आपको बताया था ना मैं फारिग होते हैं, चले गए वेले। मैंने बोला भाई जाते हुए मुझे घर से पिक कर लो आप। उसने बोला यार पिक तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पिक करने का मेरा सीन नहीं है, मैं आ रहा हूँ गाड़ी में किसी और के साथ। मैंने बोला सही है भाई, हमारे पास बाइक है, वो बाइक हमारे वाले साहब ले गए। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, बाइक या जिंदाबाद। हम पहुँच गए, और जब हम वहाँ पहुँचे अंदर गए, वहाँ का माहौल देख के ले गए। मैंने बोला भाई बोले यहाँ पे ड्रेस कोड है भाई, हम तो शर्ट पैंट में पहुँचे हुए। खैर मेरे दोस्त ने सेटिंग घुमाई गई, उन्होंने फिर अंदर गए हम। फिर अब वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ का माहौल ही अलग, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे ही बात है पार्टी में बंदा डांस ही करेगा, लेकिन उन लोग के डांस करने का जो तरीका था वो मैं आपको अगर मैं आप करके बताऊँ ना, वो फिर आपको मैं क्या ही बताऊँ। बट मैं तो लग रहा था मैं पाकिस्तान में हूँ ही नहीं। अबे भाई मैं ये लग रहा था मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं पता नहीं कहाँ हूँ। अबे भाई अमरीका में भी ऐसा नहीं होता होगा, वहाँ भी इंसान आते हैं लेकिन तरीके से आते हैं। तो लग रहा था कोई अलग ही है भाई, ये अर्थ, ये यूनिवर्स में मैं हूँ ही नहीं, किसी और दुनिया में हूँ मैं। उनका डांस वेनसडे से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। वो तो फिर अच्छा बंदी डांस कर लेती है, लोग उसके डांस को इतना मजाक उड़ा रहे हैं यार। मैंने बोला अभी भाई ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। बोला भाई इनकी ये सैटरडे नाइट पार्टी है, यानी सैटरडे नाइट तो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं कौन सी नाइट बोल रहा था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, मुझसे बोलने का दिल भी नहीं चाह रहा। पता नहीं कौन सी नाइट, मिड नाइट, कौन सी जो भी नाइट थी भाई, बड़ी ख़तरनाक नाइट थी वो। अबे मैं डिप्रेशन में चले गया वहाँ बैठे बैठे। भाई सीन तो जब हुआ, वेटर आता है भाई वहाँ भाई मेरे पास। वेटर बोलता है सर आप कुछ लेंगे ड्रिंक वगैरह? ड्रिंक मतलब वो ड्रिंक नहीं बोल रहा मैं, मतलब वही थी कोल्ड ड्रिंक थी, तुम्हें पता है पाकिस्तान की अंदर तो कोल्ड ड्रिंक वही, मतलब कि सेवन अप थी, पेप्सी थी, सारी चीज़ें थी। तो फिर सीन ये हुआ कि मैंने बोला नहीं भाई सॉरी आई डोंट, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, मुझे कोल्ड ड्रिंक से नफरत है। खैर सीन से हुआ कि सीन खाने की टेबल पे हुआ, मुझे वो बताते हुए भी ना गए, अफसोस हो रहा है अपने आप पे, नहीं मुझे उन पे अफसोस हो रहा है। अबे सीन ये हुआ कि हम समझो ये खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं, सही है, सब आके बैठ गए, मैं भी भराए मैं मेहरबान तमीज़ में सब। अबे नैपकिन रखी हुई है घुटनों पे भाई, इतना ख़तरनाक सीन। मैंने बोला अरे भाई कोई मसला नहीं यार, हम एटिकेट से खाते हैं, हमारा खाना नीचे कौन सा गिरना है। खैर अब मैंने फॉग उठाया है, फॉग भी क्या बोलूँ, मैंने कांटा उठाया है, मैंने अंदर अपना उसमें मतलब बोटी थी बारबेक्यू की टिक्के होगी, मैंने वो उसमें फंसाया कांटा, फॉग फंसाया। अब उसको मैं मुंह तक लेके आया हूँ, मेरे दोस्त ने अबे मुंह तक लेके आया हूँ, मेरे दोस्त ने यूँ हाथ पकड़ लिया मेरा, बोले क्या, बोले क्या हुआ, बोले बल्कि क्या हुआ नहीं, बोले क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला खा रहा हूँ भाई और क्या करूँगा मैं, सब खाने की टेबल पर खाने के लिए बैठे ना। मैंने बोला रुक जा भाई तूने रूल तोड़ दिया यहाँ का। मैंने बोला अबे कौन सा रूल आ गया यहाँ पे, अबे खाना खाते हुए कौन सा रूल, खाना सामने आया बस गायब करो से और इसको में कौन सा रूल आ गया। अबे मैंने जिस स्पीड, अबे सब मेरे यूं देख रहे हैं गुस्से की निगाह से, मैं शर्मिंदा, मेरी आत्मा वहां पे सफेद हो गई बल्कि वाइट हो गई। ये देखो ये मेरा हाथ जैसे वाइट हो रहे ना अंदर अंदर से, अबे मेरी रूह सफेद हो गई वहाँ बैठे बैठे टेबल। मैंने बोला अबे मैंने क्या कर दिया, कुछ नुकसान तो नहीं कर दिया, क्या इनका कुछ गोल्ड का तोड़ वोड़ तो नहीं दिया भाई। सीन सुनो, जिस स्पीड में मैं कांटा मुंह तक लाया था उसी स्पीड में मैं वापसी प्लेट तक लेके गया हूँ, बोटी जिस एंगल में बोला रखी है ना रखी थी वहीं रखो। बोला तुमने सेटिंग आउट कर दी पूरी, सब मुझे देख रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा, चूँकि कोई जानता नहीं, जो जानता है वो मुझे सुना रहे, वो भी ऐसे सुना रहे हल्के हल्के मेरे हालांकि
यूं यूं पानी उतर रहा, मैंने वापसी रखी, सब बोले प्लेटें आगे रखो, फॉर्म मिलाओ एक। मैं कहा खाते हुए कौन सी फॉर्म आ गई भाई, क्या चल रहा है भाई। अबे उन्होंने स्नैप बना रहे, मैंने सर पकड़ के बैठ गया। अबे भाई पांचों मोबाइल लेके आए, स्नैप बना रहे खाने की। मैंने बोला भाई मुझे नहीं बनानी। बोला रूल है, रूल इज रूल। मैंने बोला इन सालों ने कभी स्कूल के रूल फॉलो नहीं करेंगे, ये साले यहाँ पे रूल बना के बैठे हुए यार, ये क्या सीन चल रहा है ब्रो। खैर अब सीन सुनो, आगे सीन आगे बड़ा खतरनाक हुआ, सीन आगे बड़ा खतरनाक हुआ। अजीब सा लग रहा है लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, वीडियो बना रहा हूँ तो। खैर सीन आगे ये हुआ कि वहाँ पे चली थी ना, अब वहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ मंगवाया था ना खाने का, यानी कि पार्टी कहीं जगह पे थी, जगह रेंट की थी ना। अब वहाँ पे एक गेम चला है एंड में कि जो यहाँ पे यानी कि बोतल, यानी कि बोतल घूमने वाले कौन सा गेम होता है यार, स्पिन टेबल स्पिन बॉल यार नाम याद में नहीं आ रहा, तुम्हें समझ आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब उसने बोला जिसके ऊपर बोतल आके रुकेगी वो सारे अपने कार्ड निकालेंगे और सही है, और वेटर आके कार्ड उठाएगा, जिसने कार्ड उठा लिया वो बिल पे करेगा। मैंने बोला अब ये कौन सा सीन है भाई, ऐसा तो मैंने फिल्मों में देखा है सही है, लेकिन हम इतने प्रोफेशनल कब से होने लग गए। मुझे तो अपना वॉलेट निकालते हुए भी शर्म आ रही ना, चूँकि भाई देखो ऐसी बात नहीं है, कार्ड मेरे पास भी है, डेबिट कार्ड है बैंक का सही है, लेकिन तुम्हें पता है कराची के हालात, हम जेब में लेके नहीं घूमते, कोई छीनने आ गया ना फिर दोबारा नया बनवाओ, एक लंबा अजाब हो जाता है फिर। तो अब मैं वॉलेट लेके गया, मेरा वॉलेट ये देखो भाई, ये जैस कैश का कार्ड और ये यूनिवर्सिटी का कार्ड मेरे वॉलेट में, अब मैं जैस कैश का कार्ड वहाँ पे फेंकूँ, वो भी एक्टिव नहीं है, एक्टिव होता भी तो पैसे नहीं है उसमें। मैंने बोला भाई ये कौन सा सीन है भाई, ये तो बड़ा ख़तरनाक सीन है मेरी तो वहाँ पे। मैं वहाँ पे बोला एक्सक्यूज मी कैन आई गो टू वॉशरूम, मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। मैंने कहा यू गाइस कंटिन्यू कैरी ऑन, हु विल विन दिस मैच एंड पे द बिल, आई एम लेफ्टिंग हेयर ओके। बोला ओके ची पहुँचू, मैं चले गया वॉशरूम। कहाँ जाता मैं, रास्ता नहीं बचा था, उनको भी पता ये भाग गया ही नहीं आता। खैर अब जाने का टाइम आया, जाने के टाइम में और ख़तरनाक सीन, कोई BMW में जा रहा है, कोई मर्सिडीज़ में जा रहा है, कोई रेंज ओवर में जा रहा है, कोई लैंड क्रूजर में जा रहा है, कोई लैम्बोर्गिनी में जा रहा है, कोई वो यहाँ पे नहीं आती छोड़ो। खैर इतनी गाड़ियों में जा रहा है, मैं साला वहाँ पे बाइक वाले से फेयर पे लड़ रहा हूँ भाई, नहीं मैं 300 दूंगा डिफेंस से घर तक के, वो बोल रहा है नहीं मैं 400 लूँगा, उस पर भी बहस चल रही, मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, वही ऑफर दिए जा रहे हैं मुझे बार बार। फिर एक सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए मैं बाइक मंगा रहा था पहले, वो सॉरी सफ़ेद पोशी छोड़ो, मैं बाइक मंगा रहा था, सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए मुझे गाड़ी मंगानी पड़ी, वो भी मिनी वाली बड़ी। इतना गरीब मेरे बाप ने मुझे एक दिन में घर पे फील नहीं कराया जितना गरीब इन लोगों ने मेरे को दो घंटों में करा दिया। पहला इंसान था मेरा बाप जिसने मुझे घर पे बैठे बैठे दलील करा और मुझे बोला कि तू गरीब है, उसने मुझे इतना गरीब फील कराया, लेकिन उसने भी इतना गरीब मेरा अब्बा ने भी फील नहीं कराया। वो तो चलो अब्बा है हमारे, घर में इज्जत रहती है, बाहर नहीं निकलती। फिर ये तो साला रोड पे बैठे बैठे, वो रोड पे बोल रहा हूँ रेस्टोरेंट में बैठे बैठे साला दलील कर दिया यार। अला शाहिद अनवर की वीडियो देख के भी इतना गरीब फील नहीं करा मैंने अपने आप को, वो तो फिर अल्फाजों से गरीब महसूस करवाता है, ये तो साला जज्बातों से महसूस हो गया, मैं वो जज्बातों से गरीब फील हो गया। रात भर नींद नहीं आई, डिप्रेशन में चल रहा हूँ कसम से, आँखें बटन हो गई यूँ। उस दोस्त को तो दिल चाह रहा था मैं दूँ गालियाँ। मैंने बोला साले तेरे पास ये बता तू गाड़ी में कैसे आया, इन सालों से 1000 रुपये उधार मांग लो तो ये बोलते हैं यार सैलरी बोल लो, जॉब ही नहीं होती इनके पास वहाँ पे, ये क्या बताऊँ क्या बने हुए थे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी छोड़ो यार। मैं ना बस क्या बोलो यार, देख रहे हो चाय पी रहा हूँ तब भी आवाज़ आ रही है, इतना सन्नाटा है यहाँ पे, कोई चाय पी रहा उनके मुंह से आवाज भी नहीं आ रही। मैंने बोला भाई इतने एटिकेट्स और इतने तमीज और इतने बर्गर हम नहीं है भाई, सॉरी भाई क्या करता है यार, मैं करता भी तो क्या करता, मरता भी तो क्या मरता। खैर जो होना था वो तो हो गया, बदल तो सकते नहीं। अगली बार से वो दोस्त मुझे मिला नहीं, उस दिन के बाद मेरा फोन नहीं उठा रहा, अभी वो मिले तो मैं उसको बताऊँ फिर क्या बोले यार, बस यही है क्या कर सकते हैं। चलो आपसे फिर अगली वीडियो में, तुम अब तक यहीं देख रहे हो मेरी वीडियो देख ली पूरी, 9 मिनट 52 सेकंड तुम मेरी वीडियो पे रुके रहे।
तुम्हें भाई के दर्द का एहसास है तभी तुम रुके हुए अब तक, वरना 10 मिनट हो गए अब तुम्हें रुके हुए, तुम वरना कोई नहीं रुकता। तुम वी आर सेम ब्रो, वी आर सेम, तुम्हारा और मेरा दर्द एक ही है, चाहे ब्रो या सिस्टर हो, हम एक टीम में है ना। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा सीन हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसा हुआ है कभी तुम्हारे साथ? सही है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में यार। छोड़ो यार, मैं अपनी आंखें ढक लूँ वही अच्छा है, नहीं तो फिर कोई आ जाएगा वही फील करवाने। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ यार।